हेलो गाइज, मैं हूं समीर पीके और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में स्पीक टीच में। और आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऐप फॉर बिजनेस ऐप के डिलीवरी के बारे में कि डिलीवरी आप कैसे कर सकते हैं। आपको मैं चार ऑप्शन इंडियन ऐप फॉर बिजनेस ऐप से बताऊंगा कि चार तरह से आप डिलीवरी कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके पूरे फुल प्रोसेस के बारे में सारा इसका बताया था, सारी डिटेल बताई थी कि आप इस पर कैसे वर्क कर सकते हैं और कैसे ये वर्क करता है। ये खासकर डिलीवरी मैन के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं डिलीवरी के बारे में। अब डिलीवरी आप देखिए, एक यहाँ से एक योर टास्क जो इनवाइस करते हैं वो यहाँ पे शो करता है। इसके बाद नीचे देखिए बार कोड का है और इसके बाद ऊपर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इनवाइस नहीं किया कस्टमर की और डिलीवरी मैन डिलीवरी देने पहुँच गया है, अगर कस्टमर को अर्जेंट चाहिए तो कैसे वहाँ पे वो दे सकता है। उसके लिए आपको बिना इनवाइस कंप्यूटर्स जनरेट किए भी आप वहां पे उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या, प्लस पे जाना है। प्लस पे जैसे जाएंगे तो उस कस्टमर की आपको यहाँ पे कंज्यूमर आईडी डालनी है। कंज्यूमर आईडी डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आप तो आपके सामने ऐसा कुछ ओपन होके आएगा, चूज डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर। यहाँ पे 14.2 kg या 5 kg जो भी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होगा। और देखिए एलपीजी आईडी और कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेम सारा कुछ दे रहा है। अब देखिए इसको हमें डिलीवरी करना है वही कस्टमर के पास। तो आप जहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे तो उसके नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, यानी डीएससी नंबर जाएगा। जैसे डीएससी नंबर डालेंगे आप तो उसकी बुकिंग और डिलीवरी दोनों साथ में हो जाएगी। चलिए अब इसकी जो उसके वो टीपी गई उसके कस्टमर के मोबाइल पे वो डालते हैं और इसके बाद आपको डन कर देना है। जैसे डन करेंगे यहाँ पे देखिए कैश का क्यूक पे कार्ड सारा कुछ आ रहा है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इनसे कर सकते हैं, बट वो कैश दे रहा है तो कैश पे क्लिक करना है। बस ये आपका हो गया। और एक चीज और बता दूं, जैसे आप डिलीवरी करने के बाद सेंड रिसिप्ट भी भेज सकते हैं उस कस्टमर के मोबाइल पे। ये देखिए सेंड रिसिप्ट, उसके मोबाइल पे ये लिंक जाएगा, लिंक से वो डाउनलोड कर सकता है। अब इसके बाद एक ऑप्शन हो गया। अब दूसरा बताता हूँ आपको बार कोड द्वारा, ये शायद आप लोगों को पता होगा बट मैं बताए दिए दे रहा हूँ आपको। ये बार कोड में जो भी इनवाइस करते हैं उससे आप ऐसे उस पे इनवाइस पे क्लिक कर यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड पे और इसके बाद उसका बार कोड यहाँ से पर्ची पे दिखाएंगे, ब्लैक कलर का होता है और आपका ये ऐसे ओपन होके आए, कस्टमर नेम और ये सारा कुछ बुकिंग नंबर सारा कुछ ओपन होके आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे कंफर्म डिलीवरी पे जाना है। यहाँ पे देखिए डीएससी और ओआर वाइट दोनों दे रहा है, बट 2020 से ऐसे नियम आने वाले हैं कि बिना डीएससी नंबर के आप किसी कस्टमर की डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डीएससी नंबर कस्टमर का हम ओवर वाइट से करना है तो ओवर वाइट पे क्लिक करेंगे और कैश कर देंगे, वो डन हो जाएगा। बट हमें डीएससी नंबर है हमारे पास तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डीएससी नंबर कस्टमर का डालेंगे और डन कर देंगे। जैसे डन करेंगे हमारे सामने ऐसा आएगा, कैश पे ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आपको बताता हूँ एक और ऑप्शन, यहाँ पे बार कोड पे क्लिक करेंगे कस्टमर का, जैसे जो डिलीवरी मैन है उसका मोबाइल का कैमरा खराब है तब भी वो डिलीवरी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करना है। सेल्स ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बुकिंग नंबर डालना है, ऊपर बुकिंग नंबर आप डाल सकते हैं और सबमिट जैसे करेंगे तो ऐसे कुछ ओपन होके आएगा। ये देखिए यहाँ पे जिस कस्टमर का आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे डालेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं और इसके बाद आपका प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं योर टास्क पे बताता हूँ, योर टास्क पे क्या क्या कर सकते हैं। योर टास्क पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखिए सर्च पे ऊपर सबसे ऊपर दिया है सर्च का, यहाँ पे जिस कस्टमर का है उसका नाम सर्च कर सकते हैं, जैसे किस कस्टमर का है वो ऐसे सर्च कर सकते हैं। अब इसको हमें डिलीवरी करनी है। अब जैसे हमने कस्टमर था तो यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी हम उसी तरह यहाँ पे देखिए कॉल का ऑप्शन है, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे कस्टमर के, नेविगेट का मतलब है, इसको ट्रैक कर सकते हैं आप जीपीआरएस के माध्यम से और उसकी जाके घर पे डिलीवरी दे सकते हैं। और इसके बाद नीचे देखिए आप आइए, यहाँ पे देखिए रिटर्न का ऑप्शन, रिटर्न में आप अगर सिलेंडर देने जा रहे हैं कस्टमर वहाँ पे नहीं, ये सारी चीजें हैं तो वहाँ पे आप रिटर्न, जैसे कस्टमर अनेलेबल है तो आप क्लिक करके ओके कर देंगे, वो आपका
सिलेंडर लौट आएगा। इसके बाद कस्टमर रिफ्यूज, डीजीसी, स्मार्ट कार्ड अनेबल, डोर क्लोज सारा कुछ दिया है। जैसी कंडीशन में अगर वो कस्टमर नहीं ले पा रहा सिलेंडर, किसी वजह प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ से ऐसे क्लिक करके और ओके कर देंगे, वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी बुकिंग कंफर्म वही डीएसी और ओआरआई से कर सकते हैं। ये हो गए आपका डिलीवरी करने का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोमांचक आपको जरूर बताऊंगा। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।